क्षेत्र के पंचा डूमर स्थित इकलौता बालू घाट चालू हो गया है। इसकी जानकारी झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड के परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार ने दिया है। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2020 से स्थानीय लोगों के बालू के दामों को लेकर हंगामा किए थे, हंगामा तूल पकड़ लिया था। स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत ही कम दामों में बालू उपलब्ध कराने को लेकर स्थिति सामान्य बन गई थी, जिससे बालू घाट पर सभी कर्मी बालू घाट पर कार्य करने में असुरक्षित महसूस करने लगे। झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड के परियोजना पदाधिकारी ने स्थानीय लोगों के बीच बचाव कर फिर से बालू घाट चालू कराया है। उन्होंने बताया कि 100 CFT बालू 787.50 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। जो उपभोक्ता ऑनलाइन बालू का बुकिंग कराना चाहते हैं, वे खनन विभाग के वेबसाइट www.jsmbc.in पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। जी सर, लगातार बालू माफियाओं का इस क्षेत्र में पंडा और सोन से जो रात दिन जो बालू उठाव किया जा रहा है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो जिला प्रशासन इस पर रोक लगा सकता है, ये तो हमारे जुरिडिक्शन में है नहीं। जी, फिर भी इलीगल एरिया में होता है तो हमारे यहाँ बिक्री ना हो रहा है जो घाट का कैपेसिटी है। सर, अवैध रूप से बालू का जो ढुलाई हो रहा है, इसमें जो है राजस्व का बहुत भारी क्षति हो रहा है। हाँ, राजस्व का तो क्षति हो ही रहा है ना, यहाँ से अगर बालू जाता तो इस सरकार को ही पैसा जाना है, रॉयल्टी के अलावा भी जो पैसा है वो सरकार को ही जाना है। जी जी, आपके यहाँ स्टोर बालू कितने सेफ्टी में लोगों को उपलब्ध हो जाता है? हमारे यहाँ 700 GST सहित 787.50 रुपया में 100 सेफ्टी बालू उपलब्ध है। JSMDC के साइट पे जाकर आप बुक कर सकते हैं बालू। जी जी, ऑनलाइन भी। हाँ, www.jsmdc.in साइट है। और लोग जो जिसे ट्रॉली से खरीदना होगा, वो व्यवसायिक वाहन, व्यवसायिक घाट है, व्यवसायिक वाहन को हम लोग देते हैं। ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन होने से और जिम्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने से उसी वाहन को हम लोग देते हैं। जी, थैंक यू।